हाय रोहित, कैसे हो मेरी जान? लगता है आज तो जल्दी उठ गई। तुम इस हफ्ते भी नहीं आए ना? यार सिमरन, तुम्हें कैसे समझाऊं? काम का इतना ज्यादा प्रेशर है, अपने लिए टाइम ही नहीं मिल पाता। पता है तुम्हें 2 साल हो गए हैं। जानता हूँ बेबी, बहुत जल्दी मिलने आऊंगा तुमसे। यार मैं कब तक इंतजार करूँगा? अरे बाबा बोला ना, पक्का बहुत जल्दी आने वाला हूँ। यू नो वट? हाँ बोलो। पता है कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। कमॉन यार, ऐसे मत बोला करो, कसम से मेरा खुद दिल करता है तुमसे मिलने का। ओके चलो, लेट्स सी दैट। पक्का बेबी? लव यू, बाय। या बाय। लव यू टू बेबी। दीदी आज आपने बहुत टाइम लगा दिया। वो मैं रोहित के साथ बात कर रही थी। भाभी, भैया ने इस बार भी प्लान कैंसिल कर दिया। उनका तो ऐसा ही है। भाभी सब कुछ पैसा ही नहीं होता, जिंदगी में प्यार भी बहुत जरूरी होता है। ये बहुत गलत बात है उनकी। इस बार मैं बात करूंगा भैया से। अच्छा मेरा खाना हो गया है। दीदी, अरे तुम क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, थोड़ा बदन दर्द हो रहा था। लाओ मैं दबा दूं, आप लेट जाओ। अरे नहीं नहीं, तुम खामे का परेशान मत हो। अरे लेटो ना दीदी। तनुजा। हाँ जी। जरा एक बार कमरे में आना। इनका भी ना कभी मन नहीं भरता। मैं आती हूँ। वैसे मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ और मैं आपको किसी भी हालत में दुखी नहीं देख सकती। अगर आप रेडी हो तो मैं आप और संजू। ये कैसे हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, एक बार आप हाँ तो बोलो। नहीं यार, ये गलत है। अरे बाबा क्या कर रही हो तुम? आज मैं तुम्हें जन्नत के मजे दिलाऊंगी। जन्नत? वो कैसे? दीदी अब समय आ गया खुलकर जीने का। अब आपको संजू को खुद ही उकसाना पड़ेगा। लेकिन यार मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप जानते हो आप कितने हॉट हो। बहुत आसान है आपके लिए,
उस दिन तो आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, तो बात कुछ और थी। अभी सामने सामने नहीं हो पाएगा। अरे कुछ नहीं होता, जिस चीज में मजा आता है वो करो ना। और वैसे भी जेठ जी 2 साल से घर नहीं आए, वो भी तो बाहर मजे करते होंगे ना, तो आप क्यों घुटघुट के जी रहे हो? जो मैं बोलूं आप वही करते रहो, फिर हम तीनों खूब मजे करेंगे। पक्का? पक्का। संजू चाय। अरे भाभी आपने क्यों तकलीफ की? ऐसी कोई बात नहीं है। ये काम करेगा ना? बिल्कुल, लगता है वो आ रहे हैं। उस दिन जो आग बंद करके मजे लिए थे ना, ये वही जन्नत है। अरे रोहित जी आप? हाँ। अचानक कैसे? बस सिमरन को सरप्राइज देना था ना, इसलिए आ गया। अच्छा